आप सभी को राधे राधे फ्रेंड। आने वाली निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और निर्जला एकादशी आ रही है तो आज का वीडियो है निर्जला एकादशी के दिन लड्डू गोपाल की सेवा किस तरह करें, सरल विधि से सेवा किस तरह करेंगे। तो रोज उस दिन एकादशी के दिन जल्दी सुबह सुबह उठकर फिर कान्हा जी को जैसे रोज जगाते हैं उस तरह से कान्हा जी को जगाएंगे। और जो स्नान का प्रक्रिया है तो उसको हम देखिए, यहाँ पे जब स्नान कराएंगे तो साफ एक प्लेट लेंगे, बर्तन लेंगे, उसमें हम स्वास्तिक चंदन से बना लेते हैं, तुलसी पत्ता फूल का आसन देके और उसके ऊपर लड्डू गोपाल को विराजमान करके स्नान कराएंगे। तो गर्मी, निर्जला एकादशी के दिन गर्मी बहुत होती है तो उसमें लड्डू गोपाल को, कान्हा जी को चंदन से स्नान कराएंगे और दूध से, दही से भी स्नान करा सकते हैं, जो ठंडक चीज़ होती है उसी से स्नान, जैसे चंदन है तो वो ठंडा होता है तो लड्डू गोपाल को उससे ठंडक मिलेगी। और गर्मी बहुत होती है इसके लिए लड्डू गोपाल को ठंडक देंगे और इत्र का भी हम सेवा करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हम दूध से, चंदन से स्नान कर रहे हैं, करा रहे हैं और ठंडे जल से, तो इस तरह से स्नान कराना है। तो निर्जला एकादशी आ रही है, साल की बहुत बड़ी एकादशी है, बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलदायी एकादशी है। इस एकादशी में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। अगर घर में लड्डू गोपाल है तो हम उनका भी सेवा, उनका सेवा करेंगे क्योंकि कृष्ण भगवान के ही बाल स्वरूप है, तो हम कान्हा जी का ही उस दिन सेवा करेंगे। या फिर फोटो है, मूर्ति है विष्णु भगवान की तो उसका भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो कान्हा जी का पूजा करेंगे और व्रत जो रखते हैं वो व्रत रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इत्र का सेवा कर रहे हैं और गर्मी बहुत होती है तो कान्हा जी को इत्र का सेवा जरूर दें, जरूर करें। इस बार 17 तारीख को निर्जला एकादशी का व्रत सुबह 4:43 से शुरू हो जाएगा और 18 तारीख को सुबह 6:24 पर ख़त्म हो जाएगा। तो निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार को ही रखेंगे। तो जो भी व्रत रखते हैं वो सुबह उठकर संकल्प ले लें एकादशी व्रत का, तो उस दिन हम, और ये जो एकादशी है इसको ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि ये एकादशी पूरा साल भर का है। जो एकादशी नहीं किए हैं वो निर्जला एकादशी का व्रत पूरा साल भर का एकादशी का फल मिलता है। यह व्रत जेठ माह की सबसे कठिन एकादशी का व्रत है। मान्यता है कि पांडव भाइयों में से भीम ने जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बिना जल ग्रहण किए निर्जला एकादशी का व्रत किए थे। इस व्रत को करने के कारण भीम को मोक्ष और लंबी आयु का वरदान मिला था। तो यह एकादशी व्रतों में बहुत ही खास होता है, बहुत ही विशेष होता है, इस व्रत को हो सके तो जरूर करें। तो अब यहाँ पे कान्हा जी का इत्र मालिश करने के बाद श्रृंगार करेंगे और ड्रेस पहनाएंगे। तो अच्छे से बढ़िया से श्रृंगार करने के बाद दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं, सबसे पहले धूप बत्ती भी जला ले रहे हैं। अब चंदन से तिलक करेंगे और तुलसी दल उस दिन जरूर अर्पित करेंगे। तुलसी का दल नहीं है तो फिर तुलसी पत्ता चढ़ाएंगे। तो एक दिन पहले ही तोड़ लेते हैं, एकादशी के दिन तुलसी नहीं छूते हैं ना ही तोड़ते हैं, तो पहले ही तोड़ लेते हैं। और फूल है, फूल भी अर्पित कर दिए हैं। ऋतु फल चढ़ाएंगे, मीठे का भोग लगाएंगे। तो इस तरह से आप अपना भोग, मतलब अपने अनुसार भोग लगा सकते हैं और तो सभी में तुलसी पत्र डाल देंगे। एकादशी का कथा करेंगे तो हाथ में फूल लेके फिर हम कथा कर लेते हैं, उसके बाद कान्हा जी को अर्पित कर देंगे। और जो भी भूल चूक होती है उसके लिए क्षमा मांगते हैं तो हाथ जोड़ के क्षमा कर लेंगे, मांग लेंगे। अब हम आरती कर लेते हैं, धूप बत्ती दिखा लेंगे। और इस दिन कपूर, जब भी एकादशी चाहे कोई भी खास त्यौहार
पूजा होता है तो उस दिन कपूर जलाते हैं। तो कपूर जहाँ मतलब हर पूजा में जलाए जाते हैं, जलाना चाहिए, इससे जो भी घर की नेगेटिविटी रहती है वो दूर जाते हैं, पॉजिटिव हमेशा बनी रहती है घर पे। तो देखिए यहाँ पे हम कान्हा जी के पास पहले हम दिखा लेते हैं घर के मंदिर के पास, उसके बाद हम घर में कपूर दिखा के फिर हम कान्हा जी के पास रख दिए हैं। तो इसी तरह से सरल विधि से लड्डू गोपाल की पूजा किए हैं। तो आप लोगों को अगर अच्छी लगेगी तो एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम तुलसी पत्र देखिए एक गिलास में रख देते हैं, उस दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं तो इसीलिए गिलास में हल्का सा पानी डाल के रख दिए हैं। तो आप सभी को राधे राधे।